नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ट्यूटोरियल लेके आया है, जो एक्चुअली नया कुछ अपग्रेडेशन हुआ है स्टेन बार का, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। और जो पुराना हम लोग यूज़ करता था, वो थोड़ा सा काफ़ी सारा कुछ चेंजेस हो गया, तो आज हम उसको बोलेंगे। जैसे कि ये है नया हेलियन सोनिक 7। इसमें आप लोग बोल सकते हो जैसे कि जो आप लोग चाहोगे उस वही कर सकते हो, मगर थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी डायरेक्ट टोन इसका जो है बहुत अच्छा है। और उसका कुछ लाइब्रेरी भी अपग्रेड हुए हैं, हम थोड़ा सा एक दो लाइब्रेरी दिखाएंगे और जो जिसके लिए हम लोग फोकस करेंगे। जैसे कि ये जो हेलियन 7 है, जो पहले जो 6 वर्शन था, जैसे अप टू 6.1.10 ऐसा करके थोड़ा सा अपग्रेड हो के जो जब 7 समथिंग आया है, तो इसमें काफ़ी सारा कुछ चेंजेस कर दिया है। जो चेंजेस हम लोग थोड़ा देखेंगे, और कुछ नया लाइब्रेरी जो है, जो लाइब्रेरी ओनली हेलियन 7 में ही सपोर्ट करता है, 6 में वो सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका मेन एक जो लाइब्रेरी है, बहुत अच्छा लाइब्रेरी है, जो जिसका नेम है एफएम लैब। तो एफएम लैब और भी हम लाइब्रेरी दिखाएंगे। तो उससे पहले जो पुराना था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, और जो नया है उसका हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पुराना में हम लोग जो देखता था उस टाइप में कुछ साउंड्स था, जिसका हम लोग इधर से हम लोगों को इफ़ेक्ट मिलता था, इधर से हम लोगों को मिक्स मिलता था। जैसे 16 ट्रैक में अगर हम लोग कोई हेलियन का साउंड लेके काम करेंगे, तो वो मिलता था इफ़ेक्ट का प्लगइन में। मल्टी भी मिलता था, जैसे कि मल्टी का ऑप्शन में पैनिंग करना है, मगर ये ऑप्शन नहीं मिलता था मल्टी का, ये ऑप्शन मिलता था। ठीक है, पर्टिकुलरली ये जगह पर जो ये ऑप्शन मिलता था, ये नहीं मिलता था। ठीक है, तो उसके बाद जो है ऑप्शन का अंदर क्या क्या दिया हुआ है, ये भी थोड़ा सा नया टाइप का चीज़ किया है, तो कुछ नया हो गया है। एडिट का ऑप्शन में अगर जाएंगे, तो ये इधर बड़ा वाला एक चेंज हुआ है। जैसे कि ऑसिलेटर का बहुत बहुत बड़ा चेंज हुआ है। जो लोग एक्चुअली इस टाइप का सिंथ टोन यूज़ करते हैं, उसके लिए तो एफएम लैब काफ़ी अच्छा है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। और उसका कुछ नया ऑप्शंस भी दे दिया गया है, जैसे कि नीचे में जो आप लोग देख रहे हो डायरेक्टली, इधर आप लोग कॉर्ड का भी अपना एडिटिंग कॉर्ड भी डाल सकते हो, नहीं तो उसका साथ साथ पर्टिकुलरली लाइब्रेरी के साथ जो कॉर्ड जुड़ा हुआ है, वो कॉर्ड भी आप लोग लगा सकते हो। जैसे कि ये अगर प्रेस करें, तो इसको हम लोग डायरेक्टली इधर ट्रैक भी कर सकते हैं, इधर से जाकर ट्रैक कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएगा, इधर आ गया है। जितना जैसे इसको चलाए हो रहा है, तो देखिए बहुत ज़्यादा ये तो चला जा रहा है, फिर भी साउंड हो रहा है। किसके लिए हो रहा है, तो वो हम बोल रहे हैं। जैसे कि चल रहा है इतना दूर तक चल रहा है, मतलब इफ़ेक्ट का हिसाब से इसमें इतना बड़ा कुछ चेंजेस आया है। जैसे कि एफएम ऑसिलेटर में अगर हम लोग जाएंगे, तो इसमें बहुत सारा पैटर्न दिया गया है, बहुत सारा पैटर्न। जैसे कि अगर आप लोग चाहो तो इसमें अगर हम लोग प्रीसेट देख सकते हैं, DX7 यामा का बहुत बहुत अच्छा कीबोर्ड था पुराना, अभी नया शायद मिलता नहीं है। तो पुराना जो कीबोर्ड था, वो DX7 का पूरा पैचेस दिया हुआ है। और सबसे बड़ा बात जो है, ये जो DX7 का, जिसका पास अभी है DX7, तो DX7 का भी सैंपल्स नहीं है, उसका प्रीसेट मिलता है, जो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर थ्रू लोड हो जाएगा, और वो प्रीसेट आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो ये हम थोड़ा सा एग्जांपल देके दिखा रहे हैं। जैसे DX701, इसका जो प्रीसेट दिया हुआ है, ये वाला जो है, दो ऑप्शन इधर थोड़ा देखना चाहिए। ये है पहला एक ऑप्शन, दो नंबर ऑप्शन ये है, मतलब ऑसिलेटर स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर कैसे सजाया है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा टाइप का दिया हुआ है, इसका मिक्स का ऐसा दिया हुआ है। हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई पैटर्न ले सकते हैं। बहुत कुछ चेंजेस हो गया इसमें। और ये जो प्लेटफॉर्म है, पर्टिकुलरली एफएम ऑसिलेटर का जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि कितना अटैक होगा, कितना टाइम तक ये टोन रहेगा, कितना टाइम तक चलेगा ये टोन, तो वो भी पर्टिकुलरली दिया गया है। हम लोग लेयर भी कर सकते हैं, उसका साथ साथ बहुत सारा मल्टीपल इफ़ेक्ट्स भी हम लोग डाल सकते हैं। तो हम एक टोन सुनाते हैं, जैसे कि हम लोग कोई अगर कीबोर्ड बजाए, देखिए ऊपर में ऑसिलेटर का जो स्कोप हो रहा है, जब छोड़ दे रहा है तब इधर चला आ रहा है, तो ये हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और इसमें मल्टीपल टोन्स दिया हुआ है, जैसे कि इतना सारा टोन्स इसके अंदर दिया हुआ है, जो एफएम लैब के अंदर पड़ता है। तो ये हो गया एक बहुत बड़ा चेंजेस। उसका साथ साथ वॉइस का LFO, लो फ्रिक्वेंसी का LFO
LFO 1, LFO 2, LFO 3, LFO 4 चार अलग अलग ऑसिलेटर दिया हुआ है, LFO दिया हुआ है, एक्चुअली लो फ्रिक्वेंसी का चार अलग अलग टाइप दिया हुआ है, जिसमें आप लोग इसका जैसे कि डेप्थ को लेके, उसका कार्व को लेके सब कुछ चेंज कर सकते हो, कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। इसका डिटेल्स वीडियो तो हम देंगे, क्योंकि पहले तो स्ट्रक्चर समझाना है, उसके बाद वीडियो देना है, मतलब उसके ऊपर काम करना है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जो बड़ा जो चेंजेस आया है, वो चेंजेस बहुत ही अच्छा टाइप का चेंजेस है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर। तो हम थोड़ा सा टोन आप लोगों को सुना रहा है, उसका साथ साथ देखिएगा, पर्टिकुलरली ये जो स्ट्रक्चर है ये भी चेंज होता जाएगा, और इसके अंदर नीचे में जो कॉर्ड है वो कॉर्ड भी चेंज होता जाएगा, और उसका साथ साथ हम लोग अगर चाहें तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इधर से फिल्टर को यूज़ करके, नहीं तो कोई डिले इफेक्ट, नहीं तो रिवर्ब इफेक्ट को यूज़ करके हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया एक टाइप का टोन जो ये बज रहा है। उसके बाद सेकेंड जा रहा है हम लोग, इसमें ये स्ट्रक्चर दिया हुआ, इस टाइप का दिया हुआ है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें इस टाइप का ऑसिलेटर दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग चाहे इसका चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा चेंज करके सुनाते हैं, चेंज हो गया, ठीक है। अगर हम लोग चाहे तो रिलीज को बढ़ा सकता है, चाहे तो कम कर सकता है, इसका डीके को भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, मतलब एकदम कोर लेवल का सिंथेसाइजर का ही एक्चुअली सब चीज़। सिंथेसाइजर होता नहीं है, सिंथेसाइजर में ऑसिलेटर होना ही चाहिए। तो जो हम लोग सिंथेसाइजर बोलते हैं, कभी कभी हम लोग भी थोड़ा सा गलत बोल देते हैं, जैसे कि हमारे पास एक सिंथेसाइजर है, एक्चुअली सिंथेसाइजर नहीं है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड और सिंथेसाइजर में काफ़ी डिफरेंस है। सिंथेसाइजर में इस टाइप का कुछ फैसिलिटीज़ रहता है, जिसमें कीबोर्ड में नहीं होता है। कीबोर्ड में ऑसिलेटर उतना ज़्यादा होता नहीं है। तो कुछ कुछ कीबोर्ड है, जैसे कि SH-201 बोल के एक रोलैंड का कीबोर्ड है, और भी बहुत सारा कीबोर्ड है जिसमें ऑसिलेटर का फीचर्स दिया हुआ है। तो जब तक कोई एक टोन को, जैसे कि एक गिटार साउंड को जब तक आप लोग एक स्ट्रिंग्स में बदल नहीं पाओगे, तो वो पर्टिकुलरली जो डिवाइस होता है वो सिंथेसाइजर नहीं है। सिंथेसाइजर में एक टोन को उसका नेचर पूरा चेंज करके दूसरा टोन में कर सकते हो, तो ये सिंथेसाइजर होता है। कोई एक साउंड लेके दूसरा साउंड में आप लोग डाल सकते हो, जा सकते हो, उसका अटैक, डीके, रिलीज और बहुत सारा जो ऑसिलेटर जो होता है उसको चेंज करके आप लोग जा सकते हो। तो ये है तीसरा टोन, कुछ कुछ टोन सुना देते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा ऐसा करके जाते हैं, थोड़ा बहुत सारा टोन है, तो सब कुछ सुनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब एक ट्यूटोरियल में कुछ एम्बियंस टाइप का टोन भी आप लोग कर सकते हो, और भी कुछ हम लोग चाह रहे, जैसे कि देखिए इतना अच्छा रिस्पांस, जैसे कि ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, तो फ्रीक्वेंसी इतना अच्छा मॉड्यूलेट कर रहा है, जैसे कि कोई भी एक हल्का सा टच कर रहा है तो कितना जोर से टच कर रहा है, हल्का सा कर रहा है तो वेलोसिटी के हिसाब से कितना अच्छा मॉड्यूलेट कर रहा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब जो ये सभी के लिए है नहीं, बेसिकली जो लोग चाहते हैं कुछ EDM टाइप का बनाने, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है FM लैब। अभी हम लोग दूसरा साउंड में चला जाते हैं, जैसे कि सभी में इस टाइप का ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसका जो अलग अलग करके साउंड्स है, जैसे कि इसका अलग अलग करके जो लाइब्रेरी है, सभी में इस टाइप का साउंड्स मिलेगा नहीं। तो अगर हम लोग चाहें तो ये एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, इसका अपडेट हुआ है, जैसे कि ये टेल्स, इसको अगर हम लोग देखेंगे
तो इसमें डबल क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि इसका गिटार का ऊपर कुछ दिया हुआ है तो हम लोग सुनते हैं और इसका थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, जैसे कि इसमें फैसिलिटीज़ क्या है और क्या फैसिलिटीज़ इसके अंदर दे के हम लोग डाल सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो है ये नया अपडेट हुआ है, ये इसका जो साउंड है इतना अच्छा है, बहुत अच्छा साउंड है। तो इसका तीनों ऑप्शन है, जैसे कि एक गिटार का ऑप्शन, एक टेक्सचर का ऑप्शन और एक इफेक्ट का ऑप्शन। तो गिटार का ऑप्शन आप लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा, जैसे कि गिटार बजेगा, ठीक है गिटार बज रहा है, साउंड रेडी करना पड़ेगा। ऐसे ऐसा बात नहीं है जैसे कि कुछ ले लिया उसके बाद साउंड अच्छा आने लग जाएगा, ऐसा बात नहीं, रेडी करना पड़ेगा। ठीक है अभी ये जो गिटार में अगर क्लिक हम लोग करेंगे तो इसका डिस्टेंस, इसका कलर, इसका कंप्रेशन, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता है, तो थोड़ा इफेक्ट भी हम डाल देते हैं तब अच्छा लगेगा, इसका डीले अगर डाल देते हैं। थोड़ा सा लेवल को बढ़ा देते हैं, अभी देखिए डिले में भी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है जो डिले आप लोगों को अच्छा लगे। अभी सिंक में दिया हुआ है 1/4, आप लोग चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, 1/8 भी कर सकते हो। ठीक है तो इसमें डिले थोड़ा ज़्यादा है, वो एक्चुअली चेंजेस के बारे में हम थोड़ा सा इसका गाइडेंस बोल रहे हैं, जैसे कि किस टाइप का आर्टिकुलेशन दिया हुआ है, जिसमें ये जो है ये आर्टिकुलेशन है। सेकंड अगर जाएंगे हो गया, थर्ड में अगर जाएंगे थोड़ा फीडबैक को कम कर देते हैं, मिक्स को भी कम कर देते हैं, जैसे कि रॉ साउंड थोड़ा अच्छा लगे। बहुत अच्छा है। उसका साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा 4 नंबर में अगर जाए, म्यूटेड गिटार, ठीक है 4 टाइप का अलग अलग दिया हुआ है, तो इसका साथ साथ गिटार में अगर हम लोग जाए तो इसका थोड़ा सा सेचुरेशन अगर हम लोग बढ़ाएं तो अच्छा लगेगा। और पहले तो इसको चूज कर लेते हैं, 4 ऑप्शन है इसका, सॉफ्ट है, हार्ड है, हम सॉफ्ट सॉफ्ट में ही जाते हैं। ठीक है जब बजेगा अच्छा लगेगा सुनने में। अच्छा अभी जो इफेक्ट और गिटार तो हम बोल दिया है, अभी टेक्सचर का क्या मतलब है? टेक्सचर का मतलब जो है, हम लोग कभी कभी क्या होता है कुछ साउंड को हम लोग ड्यूअल बना लेते हैं, जैसे कि पियानो का साथ स्ट्रिंग्स, ठीक है पियानो का साथ स्ट्रिंग्स हम लोग रखते हैं, पियानो मेन फीचर्स में रहेगा, उसका साथ साथ स्ट्रिंग्स भी उसका साथ साथ चलेगा, तो वो है टेक्सचर। तो इसके अंदर ये जो टेक्सचर का जो जगह है इसको अगर इनेबल करें तो ये इस टाइप का टेक्सचर इसमें मिल जाएगा। 1 मिनट, हाँ तो ये टेक्सचर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, टेक्सचर इस टाइप का टेक्सचर आप लोग ले सकते हो। और ये जो मॉड्यूलेशन आप लोगों का जो कीबोर्ड का जो मॉड्यूलेशन बटन है, जो वो मॉड्यूलेशन बटन से आप लोग पर्टिकुलरली गिटार का साथ कोई भी टेक्सचर को ऐड कर सकते हो, कोई भी टेक्सचर को इसके साथ ऐड कर सकते हो, जैसे कि हम स्ट्रिंग्स कर दिया है। अभी क्या है, मॉड्यूलेशन बटन को जब आप लोग व्हील को थोड़ा सा
फ्रंट में ले जाओगे, जैसे कि मॉड्यूलेशन जो बटन होता है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाओगे तो स्ट्रिंग्स का साउंड आ जाएगा। तो उसका साथ साथ कलर क्या होना चाहिए, उसका साथ साथ की रेंज क्या होना चाहिए, उसका साथ साथ इसका काउंटर क्या होना चाहिए, उसके बाद रिलीज़ कितना होना चाहिए, अटैक कितना होना चाहिए, सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। और इसमें बहुत सारा टोन्स भी दिया हुआ है। देखिए टेक्सचर ऐड हो गया है। अगर हम लोग चाहें तो टेक्सचर का लेवल को भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है, उसका लेवलिंग बोलिए, उसका रिलीज बोलिए, सब कुछ कम कर सकते हैं। दूसरा टोन में जाते हैं, और भी दूसरा कुछ टोन देख लेते हैं। कॉर्ड भी सुन लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दूसरा जाते हैं, म्यूटेड गिटार, म्यूट एक्चुअली हार्मोनिक, हार्मोनिक राइट, हार्प का भी साउंड आप लोगों को मिल जाएगा, और बहुत सा बहुत सारा साउंड है, बहुत बहुत कुछ। ज़्यादा है मतलब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा लेवल को, और ये तो हम दिखाएंगे अलग अलग करके, एक वीडियो बना के दिखाएंगे। जस्ट दिस वीडियो ओनली फॉर क्या है हेलियन सोनिक में क्या दिया है, और इसको यूज़ कैसे करेंगे, और इसको यूज़ करने के बाद, और एक बहुत बहुत बड़ा एक हेलियन सोनिक का लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरी सिम्फोनी का है, उसमें सब कुछ टोन मिल जाएगा, जैसे कि जितना सारा ऑर्केस्ट्रेशन का अंदर जितना सारा टोन्स होता है सब कुछ मिल जाएगा। तो वो भी एक लाइब्रेरी, बड़ा वाला लाइब्रेरी है। तो इसमें भी इतना सारा गिटार का साउंड दिया हुआ है, और बाकी जो है बहुत सारा कुछ लाइब्रेरी अपग्रेड किया हुआ है। और हेलियन सोनिक 7 में आप लोग इतना कुछ कर सकते, जैसे कि इसका लाइब्रेरी का हिसाब से, लाइब्रेरी का फीचर्स से आप लोग बहुत सारा कुछ कर सकते हो, जो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जब काम करने के लिए बैठते हैं तब हम लोगों के पास साउंड नहीं रहता है उतना ज़्यादा, जैसे कि कौन सा साउंड किस में लगाए, वो भी एक पॉइंट है। तो देखिए कॉन्टैक्ट हो गया, उसका साथ हेलियन सोनिक हो गया, उसका साथ ग्रूव एजेंट हो गया, उसका साथ स्टेनबर्ग का दिया हुआ जितना सारा होता है, जैसे कि पैट शॉप बोल सकते हो, रेट्रोलॉग बोल सकते हो, बहुत सारा जो अलग अलग करके VST का लिस्ट दिया गया है, तो उसमें बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। तो उसमें ही उसको लेके ही हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे, और उसका साथ साथ कौन सा टोन यूज़ कर रहे हैं और किसका हिसाब से हम लोग वो टोन को यूज़ करें, उसका जो सिचुएशन क्रिएट करना, ये सब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक बड़ा वाला ट्यूटोरियल देना है, तो वो हम देंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जाएंगे, जैसे कि एडवांस लेवल ऑफ ऑटोमेशन, मतलब ऑटोमेशन का एकदम एडवांस लेवल, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं एकदम उस जितना सारा ऑप्शंस जो है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे, जैसे कि इसका क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ है, इसका अंदर क्या क्या है, और इसका सेटिंग के अंदर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और ट्रिम का मतलब क्या है, और इसके अंदर जितना सारा ऑप्शन है सब कुछ लेके हम लोग एक एडवांस ट्यूटोरियल बनाएंगे, जो ऑटोमेशन का अल्टीमेट लेवल का ट्यूटोरियल होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो लोग हमारा चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो लिंक। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साउंड नॉलेज को और करे अपने म्यूजिक कॉम्पोजिशन का सपना साकार। डाउनलोड द एप नाउ।